चिनमरी पार्षद शिवांश जैन ने चिनमरी क्षेत्र में बिक रहे अवैध कच्ची शराब, नशीली दवाइयां, मादक पदार्थ के विक्रय पर प्रतिबंध लगाने एवं कार्यवाही करने के लिए थाना चिनमरी में ज्ञापन सौंपा है। पार्षद शिवांश जैन ने कहा है कि जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से पूरे प्रदेश में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। वहीं चिरमिरी में मादक पदार्थ, नशीली दवाइयों, अवैध शराब के विक्रय से युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ रहा है। घरेलू हिंसा के साथ अपराध बढ़ रहे हैं, इसमें जल्द से जल्द रोक लगे और इनका कारोबार करने वाले पर कड़ी कार्यवाही की जाए। जैन ने आगे बताया कि अगर नशीले पदार्थ और अवैध शराब पर अंकुश नहीं लगा तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन देते समय शिवांश जैन के साथ उमाशंकर अलग गमकर, नितिन सिंह, इंद्रजीत सिंह छावड़ा, अशरफ अली, वीरू खान, शुभम सलूजा सहित कई लोग उपस्थित रहे। आज किस लिए ज्ञापन दिए हैं बताएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से छत्तीसगढ़ में बनी है तब से अपराध बढ़ता जा रहा है। आज चिनमिरी की हम बात करें तो 40 वार्डों में अवैध शराब, कच्ची शराब, नशीली दवाइयां, इंजेक्शन, गांजा, अन्य तमाम प्रकार के जो मादक पदार्थ हैं जिससे हमारा युवा जो है अपराध की ओर बढ़ रहा है, घरेलू हिंसा हो रही है, आज स्वास्थ्य भी उनका कहीं ना कहीं गिर रहा है। ये सारी बातों को लेकर लगातार हमारे पास शिकायतें आ रही थी लोगों की कि चिनमिरी में विभिन्न स्थानों पर अवैध शराब और अवैध मादक पदार्थ, नशीले पदार्थ बिक रहे हैं। इसके लिए आज हमने थाना प्रभारी चिनमिरी को ज्ञापन देकर कांग्रेस के अपने साथियों के साथ उनको ये कहा है कि जल्द से जल्द इस प्रकार की जो भी गतिविधियाँ उस पर रोक लगाएं और आने वाले समय में अगर इस प्रकार की जो चीज़ें हैं और इनका विक्रय है अगर बंद नहीं होता है तो हम आंदोलन हेतु बाध्य होंगे।